अगर शांति चाहिए, चाहते हैं आपके दिल में सुकून हो, तो बनारस आइए। बनारस एक ऐसी जगह है जो गंगा के निकट बसी है। कबीरदास ने यहाँ पे अपनी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताओं को यहाँ पे लिखा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म यहीं पे हुआ। काशी विश्वनाथ नगरी बोलते हैं और गंगा का यहाँ विराजमान है। यहाँ पे बहुत सारे लोग शांति के लिए आते हैं। यहाँ पे लोग फ्रांस से, स्पेन से, फिलीपींस से, अमेरिका से, यूके से, बहुत सारे देशों से आते हैं। नमस्कार, मैं आयुष कुशवाहा मौजूद हूँ और एक नया टॉपिक लिया है। टॉपिक क्या है? बहुत लोग इस बात पे डाउट ले रहे हैं, क्या इंडिया सेफ है? तो आज का विषय हमारा ये है, क्या सच में भारत सेफ है? और हम सवाल किससे करने वाले हैं जो बहुत सेफ कंट्रीज में रहते हैं, जो यूके में, यूएसएस में आते हैं। आइए उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा देश उनके लिए महफूज है। Do you find India safe? Yes, we do find it safe. India, it's a very nice place, very colorful, and with the very nice people. They always... And is a country developed in terms of culture and religion than compared to your country? Double, triple, lots more. Lots more. Lot more. Yeah. From the UK, and I love India. Everybody is so friendly, and the variety in the country, the landscape, is great. Do you find India safe? Yes. It is safe. So, if I talk about culture and religion, so did you find India is more developed than compared to other countries in terms of culture and religion? Mm-hmm. Yes, more developed. So India is more developed in terms of culture and religion. And India is safe. I'm Jean-Claude. I'm a physicist. I live in Norway. It's my second time here and I really appreciate the country. It is intense. It is mystic. Thank you. Ma'am, kya Bharat desh? Mehfooz hai. Haan, safe to hai. Bahut safe hai. कोई ऐसा तो नहीं जिसमें डर लगे ऐसा कुछ नहीं। और आप कितने सालों से भारत में रह रहे हैं और किस देश से आई हैं? तो आप भारत में सेफ महसूस कर रहे हैं? 17 साल में कोई समस्या नहीं देखी आपने? इंडिया इज सेफ पक्का? माय नेम इज रॉबर्ट फ्रास्ट एंड आई कम फ्रॉम हॉलैंड इंडिया मेनी टाइम्स एस्पेशली आई लाइक बनारस. I've been in Benares about 20 times, so I like it very much. My name is Rose Newman, and I'm a fitness teacher. I find India very exciting. It's got fantastic architecture and art and interesting culture, very nice people, so it's an adventure for us who live in a completely different way in a different country. It's I am friends with a living in Brazil. Living in Brazil. So did you find India safe? I find India safe. I like India. We are developed. Everything good. Molly, I'm from America. I'm an English teacher and I think India is amazing. It's really good. Thank you. Ma'am, did you find India safe? Yes, I found it safe when I came here, but I was reading very terrible things. India, I think in general, is fairly safe. It's not very friendly, very nice, and we felt safe. Hello, I'm Esten. I'm from Norway. I'm a PhD student. India is great. सुबह होती है, शाम होती है, दिन गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, रह जाती हैं थोड़ी खट्टी मीठी यादें हमारे पास. वो अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं. हो सकता है हमारी भावनाएं, हमारी यादें थोड़ी अच्छी हों और थोड़ी बुरी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह दे सकते हैं कि पूरे भारत सेफ नहीं है. हाँ, मैं मानता हूँ कुछ जगह आपने महसूस किया होगा कि भारत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दुख पहुँचाती हैं, हमें कष्ट पहुँचाती हैं. लेकिन ये कह देना, वो भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों के द्वारा, कि भारत पूरा अनसेफ है, पूरा भारत इनटॉलरेंट हो रहा है, यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो विदेश से आए हैं, यूएसए से, अमेरिका से, रशिया से, कनाडा से. दे फाइंड दिल्ली इंडिया सेफ. इसका अर्थात ये है कि भारत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में सेफ है. और कहीं ना कहीं खामियां हैं, और वो होती हैं, हर लोगों में होंगी, वो हर देश में है. हमने बहुत सारे टूरिस्ट से बात किया, उन्होंने जाहिर किया कि अच्छे बुरे लोग हर देश में होते हैं. तो मैं हर वो अनेक उन सभी राइटर्स से, उन सभी एक्टर्स से एक अनुरोध करना चाहता हूँ. ये अनुरोध ये कि भारत हो सकता है कुछ जगहों पे कुछ गलत हो, लेकिन ये ना कह देना कि भारत पूरा अनसेफ है, गलत होगा. मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ
जहाँ पे आपको कमियाँ लगती हैं कृपया आप कदम उठा करके उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। इसी के साथ नई डॉक्यूमेंट्री के साथ हाजिर होंगे आपके पास एक नए संदेश को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं अतुल राय, गौरव कुमार एंड मनीष यादव, धन्यवाद।